बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज व ईमान में रखे, आमीन जी। आज मैं आपको शकरकंदी उबाल करने का तरीका बताऊंगी, वो भी बगैर पानी के। सिर्फ 10 मिनट पे हम शकरकंदी को उबाल करेंगे और साथ के साथ मैं बनाऊँगी खट्टी मीठी चटनी। चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी यहाँ पे हमने शकरकंदी ले ली है और शकरकंदी को हम वॉश कर लेते हैं, इसमें जितनी भी मिट्टी लगी है वो सारी उतर जाए। जी ये देखिए हमने इसको वॉश कर लिया, अब इसको स्टीम के लिए रखते हैं। जी तेजकी में मैंने एक कप पानी रख लिया हुआ है, इसके अंदर मैं रख देती हूँ स्टेनर, ये देखिए, और इसके अंदर मैं रख देती हूँ शकरकंदी, ये देखिए। जी ये देखिए हमने शकरकंदी रख ली है, अब मैं इस पर ढक दूंगी इसको अच्छे तरीके से। जी 15 मिनट के बाद मैं ढक्कन को हटा लेती हूँ, ये देखें। जी ये देखें शकरकंदी है, ये देखें हो गई है। आंच हम बंद कर देते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं अब। जी ये देखें जितने में ये ठंडी होती है तो हम उसकी चटनी बना लेते हैं। जी फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया, इसके अंदर डाल देंगे इमली। इमली को मैं एक घंटा भगो के रख दिया था, गिटके वगैरह मैंने निकाल ली थी। ये बहुत मजे की चटनी बनती है। इसके अंदर मैं डालू 3 टेबलस्पून डालूंगी मैं चीनी के। हाफ टेबल स्पून डालूंगी चिली फ्लेक्स का। और हाफ टी स्पून डालू मैं काले नमक का, इनको मिक्स कर लेते हैं। हमें तब तक पकाना है जब तक ये जो इमली का पानी ये थिक नहीं हो जाता। जी ये देखें चटनी हमारी जो है वो थिक हो गई है, ये देखें। चूल्हा हम बंद कर देते हैं और 5 मिनट में इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। जी ये देखें बिल्कुल बाजारी जैसे हमने बनाई है। चाट मसाला और काला नमक के बाद हम इस पर डालेंगे इमली, ये जो हमने बनाई थी खट्टी मीठी चटनी। बीस उस पर लगा देंगे टॉपिक। जी ये देखें बाजार जैसी शकरकंदी हमारी हो गई तैयार। जी कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हंसते रहें मुस्कुराते रहें, मुझे रखें अपने दुआ में याद। मिलते हैं एक न्यू और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।